तो धमतरी जिले से मगरलोड बेलौरा का मामला सामने आया है, जहां लगभग 18 घरों के 75 सदस्य सालों से रह रहे हैं, लेकिन लोगों को मुख्य मार्ग से कमार बस्ती जाने वाले मार्ग कच्चा नाले से होकर गुजरना पड़ता है। पाइप पुल नहीं होने से बस्ती के स्कूली बच्चे व ग्रामीण परेशान हैं। बारिश के दिनों में रास्ते में 2 से 3 फीट पानी भर जाता है, जिसे पार करने को वह मजबूर है। जनप्रतिनिधियों को जानकारी होने के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। लोग परेशान होकर ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। कमारपाड़ा से मुख्यालय जो नाला है बीच में, उमे ना आ जाए बहुत परेशानी होती। कमारपाड़ा जैसे छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जाते बहुत दूर पड़ते, मुंदी पंचायत में, तो वहाँ भी जाए बहुत परेशानी होते। और राशन पानी लेबा जैसे सोसाइटी है ओला भी बाजार आ जाबा भी बहुत परेशानी होती। यहाँ पे हमारा जो मुख्यालय और कमारपाड़ा की दूरी करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पे इतना काफ़ी पानी आ जाती है 48 घंटा 42 घंटा और 36 घंटा वहाँ कमार लोगों को वहीं रुकना पड़ जाता है। संपर्क से पूरी तरह टूट जाती है। बच्चे लोग इधर स्कूल आते हैं तो स्कूल घर नहीं पहुँच पाती, इधर रुक ही जाती है। कोई पालक या किसी द्वारा कंधे से लेकर या उसकी साइकिल कंधे से उठा करके उस पार पार की जाती है, तभी वहाँ जगह तक पहुँच पाती है। ग्राम बेलौरा में जो इरीगेशन के कैनाल के बीच से जो पुलिया की मांग की है, जाने में दिक्कत हो रही है। मैंने WRD को भेजा है उन्होंने और जनपद सीओ के इंजीनियर को भेजा है कि अगर वास्तव में वहाँ पर दिक्कत है तो उन्होंने कहा है कि पाइप पुलिया बनाने के बाद ठीक हो जाएगी, तो वो बना देंगे। मुख्यालय जो